Hey everyone, welcome to my channel, and today I will be showing you how I preserve my flowers. ये मेरा special flower है of some special occasion. तो इसको मैं आज preserve करना आपके सामने दिखाऊंगी कैसे करना है. वैसे तो आपको पता ही होगा. So let's begin. This is my resin mixture. मैं resin की बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुकी हूँ और आपको रेजिन मिक्सचर कैसे बनाना है वो आप उसमें देखना. लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज स्पार्कल पाउडर ऐड किया है और मैं इसको सिर्फ बॉर्डर पे डालने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट फॉर द सेंटर पार्ट. सो स्लोली मैं इसको अपने सारे बॉर्डर पे डालूँगी सो दैट वो एक ऑरेंजिश लुक देगा ऊपर से. स्पार्कल पाउडर जो है वो कलर को बिल्कुल हल्का सा टिंच देता है ऑफ कलर, सॉरी रेजिन को हल्का सा टिंच ऑफ कलर देता है और थोड़ा शाइनी भी लुक देता है. सो आई प्रेफर दिस बेटर देन एनी एडिंग ऑफ एनी एक्रिलिक कलर और एनी पिगमेंट. एक्सक्यूज मी, जो पिगमेंट्स हैं वो आपके रेजिन को उसी कलर का कर देते हैं, मगर स्पार्कल पाउडर जो है वो सिर्फ एक थोड़ा सा शेड देता है और ग्लिटरी लुक देता है. ये है मेरा फ्लावर. मैंने एक स्पेशल ओकेजन से इसको प्रिजर्व करके रखा है एंड समबडी हैड गिवन मी. सो इसको मैंने सोचा इससे पहले कि ये टूट जाए तो मैं इसको प्रिजर्व कर लूँ. तो रेजिन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रिजर्विंग एनी ऑफ योर स्वीट मेमोरीज और प्रेशियस थिंग्स. तो काफ़ी टाइम से मैंने इसको ड्राई करके रखा हुआ था. अभी मैंने लिया है ट्रांसपेरेंट रेजिन, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है और इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ यस यू आर राइट विद द हेल्प ऑफ आइसक्रीम स्टिक. अब मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसलिए लिया है ताकि ये जो मेरा फ्लावर है वो उस पर स्टिक हो जाए. वैसे मैंने इतनी केयरफुली इसको किया बट स्टिल यू नो In spite of taking so much of care, there was a bubble underneath the flower, but that bubble was giving a look of a water droplet. तो वो सोने पे सुहागा हो गया. मतलब कभी कभी कुछ गलत होने के पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है. तो I take it as a positive note कि वो जो bubble बन गया था that was basically a boon for me, a blessing basically, ताकि मेरी जो पेंट ये जो प्रिजर्वेशन है जो प्रिजर्विंग ऑफ दिस फ्लावर है वो और ज़्यादा उभर के आए. तो अब मेरे पास कुछ ड्राइड लीव्स और कुछ ड्राइड फ्लावर्स और हैं, उनको मैं इसमें ऐड करूँगी सो दैट इट गिव्स अ लुक ऑफ अ इट गिव्स अ बोटानिकल लुक. जब भी आप ऐसे रेजिन में कोई भी चीज़ ऐड करते हो तो आपको उसको स्टिक से प्रेस करना है सो दैट इट स्टेज इन दिस प्लेस. ये है कुछ रेजिन के ही मटेरियल, मीन्स दिस इज बेसिकली गोल्ड चंक्स. ये थोड़ा सा हैवी जैसे होते हैं, आई थिंक इट इज मेड विद सम मेटल और समथिंग. तो ये सारे रेजिन एम्बेलिशमेंट्स हैं, ये आपको इजीली किसी भी क्राफ्ट शॉप में मिल जाएगा. अगर आपके पास नहीं है यू कैन ऑलवेज टेक सम बीड्स. मेरे पास और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, सम सीक्वेंस. जो लोग जरदोजी का काम करते हैं या दोज आर फॉन्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी इवन दे मस्ट बी हैविंग जस्ट फ्यू ऑफ दैट. आप वैसे कुछ भी डाल सकते हो बट रिमेंबर डोंट ऐड पेपर. पेपर जो है वो पूरा सोक हो जाएगा और वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी. ये सब ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेजिन. And that is going to be transparent resin. जब ये layer पूरी complete सूख जाएगी तो that will take one day. Actually मेरा resin जो है it takes time around 10 to 12 hours, but I prefer leaving it for 24 hours. तो जब वो सूख जाएगा completely then I will be adding another layer. Sorry, ये मैंने एक और एक jar बनाया है और उसमें मैंने pink color का पिगमेंट डाला है. अब मेरी वो लेयर सूख गई है सो आई विल बी एडिंग दिस वाइट लेयर ऑन टॉप ऑफ इट. एक्चुअली वो कम्प्लीटली सूखी नहीं थी, आई वॉन्टेड इट टू बी लिटिल वेट
सो दैट यू नो इट ब्लेंड्स वेल विद दिस. इसमें मैंने वाइट कलर का पिगमेंट पाउडर डाला है. ओके, इट इज़ नॉट एक्रेलिक. इसको मैं बिल्कुल बहुत थिन लेयर डाल के फिर मैं इसको स्प्रेड करने वाली हूँ. और रीज़न ऑफ एडिंग दिस इज कि जो भी मैंने इसमें एम्बेलिशमेंट्स या ड्राई फ्लावर्स या जो भी मैंने ऐड किया है वो इसमें जब आप सामने से देखोगे, व्हेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन एंड यू सी द फ्रंट पोर्शन, इट इज़ गोइंग टू गिव अ वेरी गुड लुक. सी ये बन गया है और बनने के बाद मैं दिखा रही हूँ, ये बैक साइड में जो वाइट था वो लाइट ट्रांसपेरेंट था बिकॉज उसमें मैंने पिगमेंट यूज़ किया था. तो अब ये सामने से देखो आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. और होगी मेरी वीडियो ख़त्म. टिल माई नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सून. टिल देन, व्हाट, बाय.